कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के मथुरान में हुआ था। वह कन्नड़ में अपने समकालीन नाट्यकारों के लिए प्रशंसित हैं। वह एक अभिनेता, निर्देशक और स्क्रीन लेखक भी हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उन्होंने 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं, जहां 3 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार कन्नड़ में है और 1 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा यानी स्क्रीन प्ले पुरस्कार है। नाटक द फायर एंड द रेन कर्नाटक के नाटकों के कालक्रम में 6वें स्थान पर है, जो 1998 में पब्लिश हुआ था। यह कन्नड़ नाटक अग्निमुट्टू माले की एक ट्रांसक्रिएशन है। इसे पहली बार मंचन किया गया था बेंगलोर में और इसका निर्देशन अर्जुन सजनी द्वारा हुआ था। अग्नि शब्द का अर्थ व्यक्त करता है परम पूज्य। कन्नड़ में माले का मतलब बारिश, शुद्ध और सरल होता है, जबकि मुट्टू का मतलब होता है संयोजनी। और इस प्रकार अग्नि मुट्टू माले वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ फायर और रेन है। कर्नाड ने नाटकीय निर्माण के लिए यह कहानी एक प्राचीन यवत्कृता मिथ से ली है, जो महाभारत से है। और कर्नाड ने स्पष्ट रूप से उनके नोट में यह स्वीकार किया है कि नाटक की संरचना मूल रूप से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, जो भारतीय नाट्य शास्त्र का एक विश्वकोश है। नाट्यकार ने अपनी नाटकीय प्रतिभा के माध्यम से युवकृत मिथ को उजागर किया, जो मानव मन का आंतरिक मानस उजागर करता है। लक्ष्मी चंद्रशेखर लिखते हैं, अग्निमुट्टू माले द फायर एंड द रेन के रूप में शीर्षक से ही पता चलता है, यह नाटक विरोधों के टकराव और प्रकृति, कला और समाज संलयन के बारे में है। नाटक के अंत में ब्राह्मणवादी अग्नि अनुष्ठान यानी यज्ञ होता है, जो वर्षा के देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए है, और इसके विरोध में गैर ब्राह्मणवादी समांतर नाट्य यानी रंगमंच है। पहले यवक्री और परावसु की कहानी जब वे कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब चक्रवर्ती राजगोपालचारी की महाकाव्य में पढ़ी थी। अगले 47 साल यह कहानी उनके दिमाग के एक कोने में संग्रहित थी। फिर 1993 में कर्नाड को अमेरिका के मिनियापोलिस के क्रूति थिएटर द्वारा एक नाटक लिखने का काम सौंपा गया। और पुरानी किंवदंति यानी लेजेंड द फायर एंड द पुरानी कहानी ने द फायर एंड द रेन का आकार लिया। कहानी तीव्रता से अंतर्निहित है पौराणिक कथाओं में, अनुष्ठानिक मैट्रिक्स और मनोवैज्ञानिक महत्व में। कर्नाटक का पुनर्निर्माण अतीत की समकालीन चेतना को वर्तमान की बेड़ियों से मुक्त करता है। एक जटिल नाटक होने के नाते कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर शोध की गई हैं, जो निम्नलिखित उपशीर्षक में वर्णित हैं, जो इंगित किया गया है। पौराणिक कथाओं से अपने विषय लेने में माहिर है। महाभारत की अनगिनत कहानियों में कर्नाड को यवक्री और परावसु की कहानी उनके नाटक द फायर एंड द रेन के प्लॉट के लिए उपयुक्त लगा। प्रस्तावना के शुरुआती पैराग्राफ में कथानक की उत्पत्ति पर कर्नाड टिप्पणी करते हैं कि यह नाटक यवक्री या यवक्रता का मिथ 135 से 38 के अध्याय में होता है, जो महाभारत का वान पर्व या वन कैंटो है। यह तपस्वी लोमश के द्वारा पांडवों जब अपने वनवास के द्वारा वन में और भूमि पे भ्रमण करते थे, तब उन्हें सुनाया गया था। मैं संस्कृत के उन विद्वानों से मिला हूँ जो अनजान थे इस मिथक के अस्तित्व से। एक छोटी सी कथा का ट्रैक खोजना आसान है। इस तरह पेशीदा अंडरग्राउंड में, जो उस महाकाव्य के तल को कवर करता है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राजा जी ने ऐसा नहीं किया। जिस क्षण मैंने पढ़ा,
इस कहानी को तो तब मुझे पता था कि यह नाटक में बदलना होगा। कर्नाड ने लिखा है उनकी फायर एंड द रेन। ग्रिस कर्नाड ने खुद फायर एंड द रेन की प्रस्तावनाओं में यह कहानी सुनाई है। अपनी कथा में उन्होंने कहा है कि भारद्वाज और रैभ्य अच्छे दोस्त थे और एक और भारद्वाज बहुत ही विद्वान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। दूसरी ओर भारद्वाज की एक एकमात्र उनकी साधना एकमात्र उनका ध्यान था उनकी साधना साधना थी। भारद्वाज के पुत्र यवक्री निराश था क्योंकि उससे लगता था कि उसके पिता को अपेक्षित मान नहीं मिल रहा है। इसलिए अपनी हताशा को दूर करने के लिए वो जंगल जाता है और देवताओं से सीधे वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करता है। अपने अभ्यास के जवाब में इंद्र प्रकट होते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि उसे ज्ञान को गुरु के चरणों में अध्ययन करके प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन यवक्री इंद्र के इस स्पष्टीकरण को वो नज़रअंदाज कर देता है और वह एक जिद्दी रवैया रखता है और वो कैसे भी करके वरदान प्राप्त कर लेता है। भारद्वाज ने अपनी बेटी को चेतावनी भी दी लेकिन यवक्री बदला लेने के इरादों से भरा है। वह विशाखा जो रैभ्य की बहू है उसे एक कोने में ले जाकर उसका यौन शोषण करता है। जब रैभ्य आता है और इसके बारे में जानता है तो वह कृत्य स्पिरिट यानी कृत्य नाम की आत्मा को आह्वान करता है जो एक ब्रह्म राक्षस है एक दानव है और एक महिला जो बिल्कुल विशाखा की तरह दिखती है। वह दोनों को यवक्री को मारने के लिए भेजता है। भारद्वाज हालांकि अपनी बेटी के दुष्कर्मों के बारे में अच्छी तरह से जानता है जब उसके बारे में पता चलता है तो वह उसकी मृत्यु जब उसे अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वह रैभ्य को श्राप देता है कि वह अपने पुत्र के हाथों ही मर जाएगा। बाद में अपने श्राप के कारण पश्चाताप करता हुआ वह स्वयं को ही समाप्त कर देते हैं। परावशु ने अपनी गलत फहमी में अपने पिता रैभ्य को मार दिया और चालाकी से सारा दोष अपने छोटे भाई अरावशु पे डाल दिया और अरावशु इसके बाद जंगल में जाता है और सूर्यदेव की प्रार्थना करता है। जब भगवान प्रकट होते हैं अरावशु ने उन्हें यवक्री को पुनर्स्थापित करने के लिए कहा, भारद्वाज और रैभ्य का जीवन वापस लाने के लिए कहा और परावशु को अपने बुरे कार्य भूल जाने का भी मांगा भगवान से। और अरावशु भगवान को पूछता है, इन भावनाओं से वो वरदान मांगता है कि सर्वे भूतेन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भगवद्। एंड द रेन को प्रोलॉग और एपिलॉग के साथ 3 अंक में विभाजित किया गया है। मूल कहानी में कुछ बदलाव करते हुए कर्नाड ने प्रत्येक चरित्र के आंतरिक मन को प्रकट किया है। सर, कैरेक्टर मैप से आप अच्छे से समझ सकते हैं इस प्ले के सभी कैरेक्टर रिलेशनशिप को, तो स्टॉप करके भी देख सकते हैं। प्रोलॉग से शुरू होता है जो आग का बलिदान का समारोह यानी कि यज्ञ का जटिल विवरण प्रस्तुत करता है। नाटक की पूरी क्रिया अग्नि यज्ञ के अनुष्ठान पर केंद्रित है। जैसे ही नाटक शुरू होता है यह ध्यान में आता है कि भूमि सूखाग्रस्त हो गई है, इसलिए उस क्षेत्र के राजा ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करेंगे और उसके लिए वो यज्ञ करवाते हैं। रैभ्य के बड़े पुत्र परावशु मुख्य पुजारी हैं जो एक समारोह का संचालन करते हैं। कई अन्य पुजारियों के साथ वह 7 वर्षीय यज्ञ करते हैं।
जब यज्ञ का दोपहर का सत्र समाप्त हो जाता है तो एक मंडली के द्वारा अभिनेता प्रबंधक वहाँ आते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इसे एक प्रार्थना करते हैं कि अग्नि यज्ञ के सामने वे एक नाटक मंचन की अनुमति दें। प्रस्तावना उन पात्रों की आंतरिक दुनिया पर प्रकाश डालती है जो प्रतिनिधित्व करते हैं उग्र इच्छाओं के अवतार, और विडम्बना यह है कि वे अंतिम मुक्ति की तलाश में हैं। यवक्री जो अंत्येष्टि अग्नि में परावसु यज्ञ में हम आग को एक खेल में अपनी सभी भावनाओं में व्याप्त प्रतीक के रूप में देखने के लिए लल जाते हैं। पहला अंक एक आदिवासी लड़की नितिलाई और अरावशु जो रेबेका छोटा पुत्र है अरावशु के प्रेम विवाह के मुद्दे पर केंद्रित है। नितिलाई और अरावशु के साथ बातचीत करते हुए अंधिका की भूमिका है जो सूत्रधार अभिनेता है। ऋषि भारद्वाज के पुत्र जो सूत्रधार है वो ऋषि भारद्वाज के पुत्र यवक्री की तपस्या और उनकी उपलब्धियों को संदर्भित करता है। ने ब्राह्मणों की आलोचना करने के लिए विशिष्ट प्रवृत्ति यवक्री की तपस्या से अपने निजी सिरों को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक प्राप्त कर देने को दर्शाया है। अपनी वापसी के तुरंत बाद यवक्री को पता चलता है कि विशाखा उसके बचपन की साथी ने परावशु से शादी कर चुकी है उनके प्रतिद्वंदी चतेरे भाई से। वह जंगल में एकांत स्थान पर उससे मिलता है। वह यवक्री की प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद उसके आकर्षक शब्द से वो अपने घुटने टेक देती है और रैव्य इसे पूरे परिवार का अपमान मानता है। यवक्री से बदला लेने के लिए वह कृत स्पिरिट अर्थात ब्रह्म राक्षस को बनाता है। विशाखा ने सूचित किया यवक्री को कि उसके ससुर की बुरी नीयत है उसके बारे में और वह उसे मारने वाले हैं, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा है क्योंकि उसके पास वो पवित्र पानी है। को पता चलता है कि वह उसके परिवार से बदला लेना चाहता है तो वह उसके कमंडल के सभी पवित्र जल को मेज पर डाल देती है। यवक्री अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता के आश्रम की तरफ दौड़ता है, लेकिन अंधका उसे प्रवेश करने से रोक देता है और तभी वहाँ पे ब्रह्म राक्षस प्रकट होता है और यवक्री को त्रिशूल मार देता है। दूसरे अंक में परावस्तु अग्नि यज्ञ के नियमों के विरुद्ध अपने घर बीवी से मिलने के लिए लौटता है। यवक्री के साथ साथ उससे अपने पिता के द्वारा उसकी पत्नी का शोषण का ज्ञान और उसके पिता को मुख्य पुजारी की भूमिका नहीं मिलने के कारण ईर्ष्या की भावना और उसे बदनाम किया और नाराजगी जताई है, अतः वह अपने पिता के ठंडे खून में तीर मार देता है। परावसु अग्नि यज्ञ को पूरा करने के लिए वापस जाता है और अरावसु से पश्चाताप का संस्कार करने के लिए कहता है, लेकिन अरावसु का आश्चर्य है कि वह अपने जब वो सब अंतिम संस्कार पूरे कर बलि क्षेत्र में पहुंचता है तो परावसु ने उसके पिता का हत्या का दोषी अरावसु को ठहराया और परावसु के आदेश पर ब्राह्मणों और राजा ने अरावसु को घायल कर दिया और उस पर हमला किया। नितिलाई से शुरू होता है जो अब एक विवाहित महिला है। वह नर्स के रूप में अरावसु के पास आती है और अब वह उसे स्वस्थ बनाने के लिए उसकी मदद करती है। नाटक विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। नाट्यकार यहाँ अन्वेषण करते हैं दो दुनिया का, एक तूफानी भावुक दुनिया जो लालच दुष्टता और कामुकता इसकी विशेषता है, और दूसरी दुनिया है एक नाजुक संवेदनशील दुनिया जो प्रेम और उदारता की विशेषता है। रैव्य परावशु और यवक्री खलनायक की देश और दुर्भावना की दुनिया के प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि नितिलाई और अरावशु प्रेम और परोपकार की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक्टर मैनेजर के निर्देशन के साथ अरावशु को मुखौटा प्रदर्शन के नियम के बारे में यह अधिनियम समाप्त होता है और उपशाह दर्शकों को यवक्री की दुनिया से इंद्र को
यवक्री की दुनिया से इंद्र की ओर ले जाता है। विश्वरूप वृत्ता एक नाटक के भीतर नाटक जिसमें अरावशु भूमिका निभाने जा रहा है वृत्त दानव की। ब्रह्मा के पुत्र विश्वरूप और वृत्त एक दूसरे से मिलते हैं और गले मिलते हैं। इंद्र उनके सबसे बड़े भाइयों को यह सोचकर ईर्ष्या होती है कि विश्वरूप का व्यक्तित्व ने महानता और लोकप्रियता ग्रहण कर ली है, इसलिए वह उसे मारने का फैसला करता है। अपनी योजना में सफल होने के लिए इंद्र एक आग का बलिदान यानी यज्ञ का आयोजन करता है और विश्वरूप को आमंत्रित करता है। जिस समय विश्वरूप और वृत्त इंद्र के साथ प्रवेश करने के विश्वरूप के साथ वृत्त भी इंद्र के साथ प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे वृत्त यानी राक्षस की कंपनी एक राक्षस होने पर आपत्ति है। जब विश्वरूप है वो देवता की बात मानकर अकेला चला जाता है। इंद्र पीछे हट जाता है और अपने वज्र से विश्वरूप में अपने वज्र को घुसा देता है और विश्वरूप जोर से चीखता हुआ गिर जाता है। मंच पर अधिनियमित फ्रेटिसाइड की यह घटना परावशु को अपराध चेतना का प्रतिपादन करती है। बैक्टियन तकनीक का उपयोग करके कर्नाड पारस्परिक पर थिएटर दर्शकों के संपर्क पर प्रकाश डालती है। थिएटर और जीवन के बीच में जो संबंध है उस पर यह प्रकाश डालती है। ब्रह्म राक्षस जो परावशु को उसकी रिहाई के लिए विनती कर रहा है, अब वह उसे छोड़ देता है। बढ़ती हुई आवाज़ों और मंच पर इशारों से दर्शक बहुत प्रभावित होते हैं। इंद्र की शातिर हंसी, विश्वरूप की दिल दहलाने वाली चीख और परावशु की चिंताजनक प्रकोप सभी भयानक भावात्मक विस्फोट की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में वांसरी त्रिपाठी ने सही कहा है कि इन द कोट परावशु अरावशु समांतर हैं, इंद्रवृत्त और विश्वरूप के साथ पूर्ण हैं। परावशु ब्रह्म राक्षस दानव को जोर से बुलाता है। अरावशु खुद को वृत्त राक्षस मान लेता है और रियलिटी दोगुना और तिगुना हो गई है। अरावशु खुद को दो पात्रों में विभाजित कर लिया है और सभी इंद्र के भाई के कृत्य का बदला लेने अपने भाई के कार्यों को एक प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया है। विश्वरूप ने मरने से पहले यह घोषणा की कि आप भाई क्यों ऐसा किया, मैंने आप पर भरोसा किया। यह स्मृति अरावशु के दिमाग में अपने ही भाई के साथ विश्वासघात ताजा हो जाता है। अरावशु यह भूलकर कि वह अभिनय कर रहा है, इंद्र यानी अभिनेता प्रबंधक जो उसका कैरेक्टर निभा रहा है उस पर हमला करने वाला होता है। हालांकि वहां नितिलाई आ जाती है और वृत्त का मुखौटा उसके मुंह से निकाल देती है और उसका यह हस्तक्षेप अरावशु को सामान्य बनाता है। लेकिन उसी क्षण नितिलाई के भाई और पति मौके पर पहुंचते हैं और उसे चाकू से निर्दयता से मार देते हैं। वह एक बलि के जानवर की तरह मर जाती है। अरावशु उसकी लाश को बलि के स्थल पर ले जाता है और वह बहुत निराश हो जाता है। तभी इंद्र की आवाज़ आसमान से सुनाई देती है, अरावशु बेटा शोक मत करो, किसी के भी लिए वरदान मांगो और वो तुम्हें दिया जाएगा। अरावशु चाहता है कि उनके प्रिय का जीवन वापस आ जाए, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे अपनी रिहाई के लिए फंसाया है। नितिलाई के हितेशी प्रकृति को याद करते हुए वह इंद्र से ब्रह्म राक्षस छोड़ने के लिए कहता है और नाटक के अंत में बारिश होती है। बारिश इसलिए नहीं होती कि बलि के अनुष्ठान के कारण, लेकिन मनुष्य के बलिदान, जो नितिलाई ने अपना बलिदान दिया और अरावशु ने भी पवित्र बलिदान दिया उससे। इसी प्रकार प्ले में शेक्सपियर तकनीक प्ले विद इन द प्ले ब्रिज के रूप में है, जो मुख्य साजिश और सबप्लॉट को और यह घटनाओं को उलट देता है।
Thank you guys, I'm Sonali. If you find this video really helpful, like and subscribe.